पहले नशे में धुत बाइक सवार ने टक्कर मारकर एक व्यक्ति की गंभीर हालत कर दी और फिर वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। नतीजा यह हुआ कि बेवजह एक बेगुनाह मौत की नींद सो गया। यह दिल दहला देने वाली घटना जबलपुर के रांझी इलाके में हुई, जहां गुड्डू पटेल नाम का एक शख्स अपनी साइकिल से जा रहा था कि छक्कर शराब पिए हुए पल्सर बाइक में बैठा रही ज्यादा नवनीत ठाकुर नशे की हालत में पहुंचा और अपनी बाइक साइकिल सवार में दे मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खून से सने दोनों जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। वहां से गुजर रहे लोगों ने जब यह देखा तो 108 डायल कर एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस को भी खबर दी, लेकिन तकदीर इतनी खराब थी कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली 108 की सेवा एक घंटे गुजरने के बावजूद भी नहीं मिली। जैसे तैसे पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी गाड़ी में ले जाकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहा जाए कि साइकिल सवार गुड्डू पटेल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक चालक अगर शराब के नशे में ना होता तो शायद यह हादसा ना होता। एम्बुलेंस अगर वक्त पर पहुंच जाती तो हादसे के बावजूद जान बच सकती थी। सारी घटना 108 की सेवाओं पर सवाल जरूर खड़े कर दिए, लेकिन पुलिस ने बाइक सवार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन यह भी पता है कि कार्रवाई तो होगी पर उसकी जद में 108 प्रशासन नहीं होगा। क्या घटना? हाँ, बीती रात शोभापुर तराहे पे लगभग 1:30 बजे एक पल्सर और एक मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल और एक साइकिल चालक आपस में एक्सीडेंट हो गए। पल्सर मोटरसाइकिल के चालक की शराब के नशे में होने की जानकारी मिली और ये गुड्डू उर्फ प्रेमलाल पटेल साइकिल चला रहे थे, जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और अभी इनका उपचार चल रहा है। नवनीत ठाकुर, इनके विरुद्ध 304A का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। सर, ये कहाँ कहाँ के रहवासी हैं? ये दोनों जबलपुर के हैं, ये रिछाई का रहने वाला है मृतक और ये आरोपी गाँव का रहने वाला।